मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पुलिस का अलग कहना है, नरेश मीणा का अलग कहना है। नरेश मीणा कह रहे हैं कलेक्टर आए नहीं, एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पहले पुलिस ने हम पर हमला किया, उसके बाद हमने जवाबी हमला किया और बराबर हमला किया। अब कौन सच बोल रहा है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, एक बार आप शुरू से विस्तार से बताइए। देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर ज्योत्सना। जिस मंच पर कल नरेश मीणा बैठे हुए थे और जब हंगामा हुआ यहाँ पर और जबरदस्त बवाल हुआ और 12 घंटे बाद उसी मंच पर एक बार फिर से नरेश मीणा यहाँ पर आ गए। कल की स्थिति ये थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और गिरफ्तार करने को लेकर तमाम जद्दोजहद हो रही थी, इसीलिए इतना बवाल हुआ। और आप जब नरेश मीणा खुद यहाँ पर मौजूद है तो पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जबकि पुलिस ये कह रही थी कि नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। बहरहाल, नरेश ने ऑन कैमरा तमाम बातें ये स्वीकारी हैं, हालांकि जो बातें कहीं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इनकी सुनवाई नहीं होती है, लिहाजा जो तरीका इन्होंने अपनाया वो बिल्कुल सही है, लेकिन कमोबेश इस पूरे जगह की हालत जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है। फायरिंग हुई है, आग लगाई गई है, गाड़ियां जलाई गई हैं। मेरे पीछे देखिए, तमाम गाड़ियां अभी भी यहां पर मौजूद है जली हुई। और लगभग कल रात के बाद आज जब तलाश किया जा रहा था कि नरेश मीणा कहां है, नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से दूर है, थोड़ी देर पहले जब पुलिस ने यहां पर टावर तोड़ यहां पर कॉम्बिंग की, तमाम सैकड़ों पुलिसकर्मी यहां पर दौरा करके गए और उसके कुछ ही घंटे बाद नरेश मीणा यहां पर आ गए और उसी मंच पर एक बार फिर से बैठे, लेकिन अभी भी पुलिस की टीम फिलहाल यहां पर नहीं आई है, जबकि नरेश मीणा खुद कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी दे। रात को पुलिस ढूंढ रही थी तो नरेश मीणा मिले नहीं। उनकी तरफ से एक ट्वीट जरूर किया गया जिसमें उन्होंने लिखा, ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। अब जब वहीं पर जहां पर ये पूरा बवाल मचा, जहां पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, वहां नरेश मीणा पहुंच चुके हैं तो पुलिस वहां नजर नहीं आ रही है। बहरहाल, टोंक क्यों जला, एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। उनियारा के समरावता गांव में जिस वक्त हंगामा हुआ, उस वक्त रात को किस तरीके से बवाल मचा और उसको रोकने के लिए किस तरीके से फायरिंग हुई है, कितनी बड़ी तादाद में, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर मतदान हो रहा था, मतदान स्थल के पास यहां पर जम के हंगामा हो रहा था। अब आप देखिए, रात को जिस वक्त बवाल हो रहा था उस वक्त किस तरीके से फायरिंग हो रही थी, ये देखिए। तमाम जितने आंसू गैस के जो गोले छोड़े जाते हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं और देखिए आंसू गैस के गोले, ये देखिए, ये टियर शेल जो फेंके जाते हैं, ये आंसू गैस के गोले यहाँ पर कितने चलाए हैं, उसके खोखे पड़े हुए हैं, ये देखिए सारे आंसू गैस के गोले छड़े। इतना ही नहीं, जम के फायरिंग हुई है, ये देखिए, ये कारतूस के खोखे, 12 बोर के कारतूस के खोखे। अब तक के सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग हुई है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये खोखे यहाँ पर सब पड़े हैं, इसका गवाही दे रही है कि जम के फायरिंग हुई है। तो ये कारतूस के खोखे इस बात का प्रमाण है कि रात को फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग की गई है, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, यहाँ पर जम के तांडव मचा हुआ है, जम के बवाल हुआ है, पुलिस ने भी जम के फायरिंग करी है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पुलिस के भी कुछ लोग घायल हुए हैं, पथराव हुआ है, खून यानी ब्लड स्टेन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सारा सब कुछ जो घटनाक्रम है, ये मतदान स्थल से लेके यहाँ पर जहाँ पर नरेश मीणा का मंच लगा हुआ था वहाँ पर, बड़ी बात ये है कि जिसको जहाँ जो मिला भगदड़, यानी तीन तरफ से जगह से घेर के रखा गया था और यहीं से फायरिंग की जा रही थी, इसीलिए ये देखिए सारे यहाँ पर जो जो आंसू गैस के गोलों के जो खोखे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये कारतूस के खोखे वो यहाँ पर मौजूद पड़े हुए हैं और जम के बवाल मचा हुआ है। अंदाजा लगाइए, ये कारतूस के खोखे आप देखिए, 12 बोर के कारतूस के खोखे यहाँ पर पड़े हैं, रात को पुलिस ने फायरिंग करी है उसके ये खोखे हैं, आप देखिए 12 बोर के ये खोखे दिखाई देंगे। अमूमन ये 12 बोर के जो खोखे होते हैं वो राइफल के होते हैं जो कि पुलिस कर्मियों के पास होते हैं, ये चलाते हैं, यानी हवाई फायरिंग जम के हुई है। ये इस मैदान में यानी मतदान स्थल के पास खेतों में पड़े हैं, जब लोग भाग रहे थे तब फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग की गई है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का मंजर रहा होगा। तो किस तरह का मंजर रहा होगा वो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, भारी हंगामे और बवाल में कई गाड़ियां तक जला दी गई, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। खबर है कि करीब 35 गाड़ियां आग के हवाले की हैं और 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है।
उनियारा के समराता गांव में उपचुनाव के दिन जम के हंगामा हुआ। थप्पड़ कांड के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद यहां पर धरना शुरू हुआ। धरना के बाद जब पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तब यहां पर नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। देखिए, ये गाड़ी है, बताते हैं, नरेश मीणा की गाड़ी है ये, जिससे नरेश मीणा आया था। और नरेश मीणा की गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ियाँ यहाँ पर जो समर्थकों की थी वो जला दी गई हैं। ये देखिए, एक के बाद एक गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। क्या कार, क्या बाइक्स, पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया है। ये बाइक आप देखिए यहाँ पर, बुलेट और ये तमाम गाड़ियाँ हैं। आगे आगे और भी जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। पूरे गाँव में जो स्थिति रात को इस तरीके की थी कि भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। लगभग 30 से 35 बाइकों को जलाया गया है, तमाम पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है बाइक में। आप देखिए, ये बाइक जो टूटी फड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो बाइकें हैं ये चली जली हुई हैं। अब आप देखिए, इस जगह पर यहाँ एक पुलिस की गाड़ी थी जिसको जलाया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई। और हालत ये है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर शांति से सब कुछ धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से पहले इस पूरे धरना को ख़त्म करने की कोशिश की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश करी और उसके बाद ही ये हंगामा शुरू हुआ। लगभग 30 से 35 गाड़ियाँ इस जगह पर और 20-25 गाड़ियाँ इस जगह पर।